हेलो भाई लोग, आप देख रहे हो विशाल K20। और आज मैं आपको बताऊंगा साउथ की कमाल की ऐसी मूवीज जिन्हें देखकर आपको बेशक मजा आ जाएगा। और भाई लोग, ये सभी मूवीज तुम्हें फ्री में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। और मैंने सभी मूवीज का लिंक इस वीडियो के कमेंट में दे दिया है, तो भाई लोग टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए भाई लोग, अब बिना किसी बकचोदी के और बिना किसी टाइम बर्बादी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं अपनी पहली मूवी पर। इस मूवी का नाम है तंत्रा कर्मा। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस लड़की की, जो कि धीरे धीरे पागल हो रही है। और इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो पता लगाने में लगा पड़ा है कि आखिर ये लड़की क्यों पागल हो रही है। तो क्या भाई लोग इसका जो बॉयफ्रेंड है वो पता लगा पाता है या नहीं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। भाई लोग, मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, शायद ही आपने किसी और मूवी में देखा होगा, लेकिन मूवी है जेन्युइन, मतलब मजा ही आ जाएगा मूवी देखकर आपको। तो अब आते हैं अपनी दूसरी नंबर की मूवी पर। इस मूवी का नाम है 90 ml। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस बंदे की। और भाई लोग, ये बंदा दिन में डेली 90 ml दारू पीता है। और फिर भाई लोग, कुछ समय बाद दारू पीना छोड़ देता है। और जब ये दारू पीना छोड़ देता है, फिर जो उसके संग आगे होता है वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। एक बार आप भी सोच के देखो कि एक ऐसा बंदा जो कि डेली दारू पीता हो और वो बाद में दारू पीना छोड़ दे, तो क्या होगा उसके संग। तो भाई लोग, वो सब जानने के लिए तो आपको इस मास्टरपीस मूवी को देखना होगा। तो अब आते हैं अपनी तीसरी मूवी पर। इस मूवी का नाम है गांधी गोडसे। और भाई लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था, लेकिन भाई लोग इस मूवी में कहानी ऐसी दिखाई गई है कि जैसे कि मान लीजिए कि बाई चांस अगर गोडसे गांधी जी को नहीं मार पाता और अगर गांधी जी जिंदा होते तो अपने देश का हल क्या होता, वही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई लोग, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस मूवी को जरूर देखना, और हो सके तो अपने बच्चों के साथ भी देखना, क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आते हैं अपनी फोर्थ मूवी पर। इस मूवी का नाम है द किलर। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस कपल की। तो भाई लोग, होता ये है कि ये दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं और रुकते हैं एक हवेली में, लेकिन उस हवेली में भाई लोग इनकी जान आफत में आ जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं, या कोई एक साइको भी कह सकते हो, या कोई भूत प्रेत भी, जो कि इन दोनों को मारना चाहता है। तो भाई लोग, ऐसे में ये दोनों कैसे अपनी जान बचाते हैं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। मैंने आपको मूवी की स्टोरी ज्यादा नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब आप इस मूवी को देखो तो आप बोर हो जाओ, लेकिन मूवी 101% पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब आते हैं अपनी फिफ्थ मूवी पर। इस मूवी का नाम है पंथम। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे चोर की जो कि भ्रष्ट नेताओं के घर में जाके चोरी करता है। तो भाई लोग, होता ये है कि ये चोर एक ऐसे नेता के घर चला जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही भ्रष्ट होता है। भ्रष्ट नेता वो होते हैं जो कि जनता को ठगते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और ये चोर उन्हीं नेताओं के घर जाके चोरी करता है। तो भाई लोग, होता ये है कि ये चोर एक सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्ट नेता के घर जाके चोरी करता है। और भाई लोग, इन्हीं सभी के बीच एक पुलिस वाला भी है जो कि इस चोर को पकड़ना चाहता है। तो आखिर वो पुलिस वाला इस चोर को पकड़ पाता है या नहीं, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। पर भाई लोग, मूवी में देखने में जब ज्यादा मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आखिर ये चोर इन भ्रष्ट नेताओं के घर में चोरी क्यों कर रहा है। तो भाई लोग, ये सब जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी मास्टरपीस है और एकदम कमाल की मूवी है, गारंटी के साथ। तो अब आते हैं अपनी सिक्स्थ मूवी पर। इस मूवी का नाम है ब्रह्मम। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस बंदे की जो कि अंधे होने का एक्टिंग करता है। मतलब कि भाई लोग, इसे अपनी आंखों से सब दिखाई देता है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा जताता है कि जैसे कि ये अंधा हो। और भाई लोग, एक दिन होता ये है कि ये कुछ लोगों के घर जाता है, और जब ये उनके घर जाता है तो वहां पे एक मर्डर हुआ होता है, लेकिन जिन लोगों ने मर्डर किया है उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा अंधा नहीं है। तो ऐसे में ये बंदा कैसे अपनी जान बचाता है, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। भाई लोग, ये मूवी मैंने आज ही देखी है और कसम से मजा ही आ गया मूवी देख के, कसम से। तो अब आते हैं अपनी सातवीं मूवी पर। इस मूवी का नाम है एक मिनी कथा। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है इस बंदे की। और भाई लोग, इसे एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पागल हो रहा है, लेकिन इसके जो घर वाले हैं वो इसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा शादी करना नहीं चाहता। और फिर इसकी लाइफ में एक लड़की आती है, और उस लड़की के आने के बाद इस बंदे की लाइफ में क्या क्या होता है, वो सब जानिए आप इस मूवी को देखकर। और भाई लोग, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने जितनी भी मूवीज बताई है, मैंने उन सभी मूवीज का लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया है, सभी मूवीज का लिंक। तो भाई लोग, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपको साउथ की और भी मास्टरपीस मूवीज देखनी है जिन्हें देखकर बेशक तुम्हें घूसबम्स आ जाए और मजा ही आ जाए, तो भाई लोग, मैंने एक वीडियो में उन मूवीज के बारे में भी बताया है, और मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई लोग, उस वीडियो को तो जरूर देखना। और भाई लोग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए भाई लोग, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।